अच्छा जी, ये मैंने एक नया फोल्डर बना दिया है और इसमें मैंने कहा कि ES6 लूपिंग स्टेटमेंट। और ES6 के लूपिंग स्टेटमेंट में जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो हम पढ़ रहे हैं फॉर लूप, आज के दिन जो हम पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, स्क्रिप्ट का टैग लगा देते हैं। सॉरी, अच्छा जी, अच्छा जी, ये मैंने आपके सामने ना एक लूपिंग स्टेटमेंट लिखी है। चलो इसको बल्कि सम टेक्स्ट कर देते हैं इजी रखने के लिए। अच्छा, लूप किस चीज को कहते हैं अंग्रेजी में, पहले तो जरा ये आप लोग बताएं। किस चीज को? आवाज नहीं आई तुम्हारी। अच्छा, ये कह रहे हैं कि रस्सी से अगर गोल, कोई रस्सी को गोल करके बांध दे तो उसको कहते हैं लूप। और कोई आप तुमसे बताना चाहेगा? जो चीज़ रिपीट हो रही है उसको हम लूप कहते हैं। और कोई इधर से? रिपीटेशन को या कंटिन्यूस साइकिल को कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब दिया आप सब लोगों ने कि रस्सी जो गोल होके आती है ना, तो उसका कोई सिरा नहीं होता, वो घूम गोल गोल ही घूमती रहती है, फिर ना वो सिरे ख़त्म हो जाते हैं उसके अगर गोल बांध दिया जाए। अच्छा, म्यूज़िक प्लेयर वगैरह के अंदर भी आपने देखा होगा लूप का एक बटन होता है, उसको आप दबा दें तो वो एक ही सॉन्ग को बार बार रिपीट करता रहता है। ठीक है, तो लूप का मतलब अंग्रेजी में ये है कि एक ही चीज़ को बार बार करना होता है ना, तो हम उसको लूप कहते हैं। ठीक है, जैसे वो घोड़े को भी ट्रेनिंग देते हैं ना जब, तो उसको लूप में दौड़ाया जाता है, मतलब एक दरमियान में एक लकड़ी खोस के ना उसमें उस बांध दिया जाता है उसको, और सर्कल में वो फिर दौड़ता रहता है। ठीक है ना, हॉर्स ट्रेनिंग लिखूँगा ना, हॉर्स ट्रेनिंग लूप। रनिंग लूप लिखता हूँ। इस तरह से होता है, ये तो बंदे ने हाथ में लिया हुआ है ना, इसको हाथ में रस्सी लेके खड़ी भी है ये ना, ऐसे रस्सी हाथ में पकड़ के ना इसको गोल गोल ऐसे यूं घुमाते हैं, वो घोड़ा ऐसे भागता रहता है और वो सर्कल में भागता है। ये रस्सी काफ़ी बड़ी होती है, 10-12 फीट की, 15 फीट लंबी रस्सी होती है, तो वैसे गोल गोल भागता रहता है और उसको लगता है कि मैं दौड़ रहा हूँ। तो उसकी डेली बेसिस पे ना ट्रेनिंग होती है उसकी। अब इसका नाम जो है ना कुछ कुछ मैंने डिफरेंट लिख दिया, इसलिए ये लूप दूसरी वाली, दूसरा वाला लूप आ गया है। वो कोई सही वाला ना डायग्राम नज़र नहीं आ रहा है इसमें। वेल, चलो इसको बंद कर देते हैं। अच्छा, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर लूप का क्या चक्कर होता है कि एक लाइन ऑफ कोड, या अभी तो मैंने एक लाइन ऑफ कोड लिखा है यहाँ पे, सर्टन लाइन ऑफ कोड, यानी 10-12 लाइन का, 15 लाइन का या 200 लाइन का एक कोड है, आप ये चाहते हैं कि ये बार बार चले, यानी एक दफ़ा चलने के बजाय ये एक से ज़्यादा दफ़ा चले, तो हम उसके लिए लूप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग में आपको लूप की ज़रूरत कहाँ पे पड़ सकती है? जैसे कंडीशन चेकिंग, तो हमने देखा था कि कंडीशन, यूज़र का इनपुट कोई आया है उसको चेक करने के लिए, या कहीं से भी कोई वैल्यू आई है उसको चेक करना होता है हमें, उसमें कुछ चीज़ें चेक करनी होती हैं, तो हम उसके लिए फेल्स करके कंडीशन चेकिंग करते हैं। तो लूपिंग स्टेटमेंट की ज़रूरत आपको क्या लगता है कि प्रोग्रामिंग में कहाँ पढ़नी चाहिए या पढ़ती होगी?
पिक्चर रेंडर करवानी होती है जब तो हाँ दोस्त ने कहा कि अगर यूज़र का इनपुट हमारे पास आता है और वो इनपुट एक इनपुट नहीं है बल्कि 100 इनपुट है वो और हमें बारी बारी हर इनपुट को चेक करना है अगर तो फिर हम लूप करके उसको चेक करेंगे हम इतना लंबा सारा कोड नहीं लिखेंगे कि पहले इनपुट वन को करो फिर इनपुट टू को करो ठीक है तो हमारे पास जब इनपुट काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं तो हम उसके बाद लूप करते हैं उस इनपुट पे उसको पूरा ट्रैवर्स करते हैं और एक एक करके सबको हम चेक कर रहे होते हैं कोई भी बात चेक करनी है ना या मिसाल के तौर पे हमें आउटपुट में अगर प्रोड्यूस करनी है एक से ज़्यादा आउटपुट की फाइल्स या एक से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना है तो वो भी हम लूप के थ्रू चला के उसको प्रोड्यूस करते हैं ठीक है या सम टाइम मिसाल के तौर पर एक ही पिक्चर है मुझे उसको पिक्सल बाई पिक्सल जाके चेक करना है कि कौन से पिक्सल का क्या कलर है तो वो उसमें 1000 पिक्सल है सम टाइम 2000 पिक्सल होंगे तो मुझे तो नहीं पता कितने तो मैं ये चेक करूंगा कि जितने भी पिक्सल हैं ना उस पर लूप थ्रो करूंगा मैं कहूंगा हर पिक्सल पे एक एक दफ़ा जाऊं तो उसके लिए एक सर्टन लाइन ऑफ कोड होगा वो मैं बार बार चलाना पड़ेगा मुझे तो उसके लिए लूप का स्टेटमेंट इस्तेमाल होता है अच्छा तो ये हमने समझ लिया कि लूप कहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ सकती है इस तरह के बहुत सारे मौके आएंगे लूप आपकी प्रोग्रामिंग का एक परमानेंट पार्ट है ठीक है लूप जो है वो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में से एक है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल वो चीज़ें होती हैं जो बुनियादी चीज़ें हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको लूपिंग स्टेटमेंट ज़रूर मिलेगा ठीक है अच्छा फॉर लूप के नाम से ही ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा ठीक है लूपिंग स्टेटमेंट हमेशा 3 या 4 होती हैं ठीक है जावास्क्रिप्ट में भी 3 या 4 लूपिंग स्टेटमेंट है फॉर लूप उनमें से एक है तो ये फॉर लूप ना एग्जैक्टली इसी सिंटैक्स में इसी तरीके से सी लैंग्वेज में भी है सी शार्प में भी है जावा में भी है आपका जो है वो पाइथन में भी है लेकिन पाइथन में सिंटैक्स थोड़ा सा चेंज है फॉर लूप हाँ तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूपिंग स्टेटमेंट ज़रूर होगी और फॉर लूप ही होगा ज़्यादातर में फॉर के नाम से होगा लेकिन कुछ में अलग तरह से लेकिन लूपिंग स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग फंडामेंटल है इसको आपने अच्छे से सीखना है दुनिया की हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको ये काम आएगा अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए तो अच्छा तो इसके लिए आप सबसे पहले लिखेंगे फॉर का कीवर्ड फॉर का कीवर्ड जैसे ही देखेगा ना जावास्क्रिप्ट अच्छा फॉर के नाम से आप कोई वेरिएबल नहीं बना सकते ज़ाहिर है जैसे कीवर्ड के नाम से ना वेरिएबल नहीं बना सकते तो फॉर एक कीवर्ड है तो ये रिजर्व कीवर्ड होता है अच्छा फॉर जो है वो स्मॉल से ही लिखा जाएगा कैपिटल से नहीं लिख सकते केस सेंसिटिव होते हैं सारे कीवर्ड्स अच्छा जैसे ही फॉर का कीवर्ड दिखेगा ना तो उसके बाद ये ब्रैकेट ओपन और ये ब्रैकेट क्लोज और इसके दरमियान में ना इसको 1, 2 और ये 3 चीज़ें चाहिए होंगी सही है अच्छा पहला वाला जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं इसका एक नाम है कोई बता पाएगा इनिशियलाइजेशन है पहला वाला पार्ट ठीक है अच्छा उसके बाद जो दूसरा पार्ट है ये है कंडीशन चेकिंग सही है और ये जो तीसरा वाला पार्ट है ये है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट सही है ये 3 इसके पार्ट्स हैं ये फॉर लूप जैसे ही फॉर देखेगा ना तो इसको ब्रैकेट के अंदर ये 3 चीज़ें चाहिए होंगी अच्छा जो पहला वाला पार्ट है ना अब ये पहले वाले पार्ट में मैंने क्या किया लेट आई इक्वल टू 0 लिख दिया मैंने अच्छा ज़रूरी नहीं है कि इसमें ये बात यही लिखी भी हो ये पैरामीटर ऑप्शनल है वैसे तो लेकिन लिखते हैं लोग आमतौर पर इसको गायब नहीं करते ये ऑप्शनल है लेकिन इसको मैं चाहूँ तो खाली भी छोड़ सकता हूँ ठीक है अच्छा लेकिन मैं इसमें क्या लिखता हूँ मैं इसमें एक वेरिएबल बनाता हूँ मैंने कहा लेट आई इक्वल्स टू 0 ठीक है आई स्टैंड्स फॉर इंडेक्स लेकिन इसका मैं कोई भी ए भी रख सकता था नाम लेकिन इसमें कन्वेंशन ये है कि इसका नाम आई रखा जाता है ठीक है ये कन्वेंशन है कि इस वेरिएबल का नाम आई से होता है आई स्टैंड्स फॉर इंडेक्स अच्छा तो लेट आई इक्वल्स टू 0 तो मैंने एक वेरिएबल बना दिया आई के नाम से जो बन गया अच्छा तो ये चला एक दफ़ा अच्छा ये चलेगा सिर्फ एक ही दफ़ा इनिशियलाइजेशन वाला जो पार्ट है ये सिर्फ एक दफ़ा चलेगा दोबारा ये कभी भी नहीं चलेगा अगला उसके बाद पार्ट है कंडीशन चेकिंग इस कंडीशन चेकिंग में इसको क्या चाहिए होता है फॉर लूप को या तो ट्रू या तो फॉल्स कोई तीसरी चीज़ इसको यहाँ पे नहीं चाहिए ठीक है अच्छा ये भी पार्ट ऑप्शनल है लेकिन अभी ऑप्शनल वाली चीज़ हम लास्ट में कवर करेंगे कि वो क्या चक्कर है अच्छा तो यहाँ पर अभी क्या आएगा ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा ट्रू आएगा क्यों क्योंकि आई इस वक्त मौजूद है और आई में 0 है ठीक है तो यहाँ पे 0 होगा तो जाहिर है कंडीशन ये ट्रू हो गई तो इस स्टेटमेंट ने पूरी बात क्या रिटर्न करनी है ट्रू ठीक है अच्छा जैसे ही ये ट्रू रिटर्न करेगा
तो ये तीसरे वाले पार्ट अभी नहीं चलाएगी, ये बाद में चलता है। इस ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट तक के दरमियान में जो भी चीज़ें मौजूद हैं उसको ये एक दफ़ा रन कर देगा, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, फॉर लूप की इसको बॉडी कह लो, ये फॉर लूप का इसको कोड ब्लॉक कह लो। जैसे इफ में होता है, इफ की एक बॉडी होती है, इसी तरह फॉर में भी ये बॉडी है। तो बॉडी में जितना भी कोड लिखा हुआ होगा, चाहे वो एक लाइन का हो चाहे वो 100 लाइन का हो, इसकी कोई लिमिट नहीं है। बॉडी में कितना भी कोड आप चाहें तो लिख सकते हैं। तो जितना भी कोड होगा उसको एक बार रन कर देगा। एक बार रन करने के बाद लास्ट में आके ना ये वाले पार्ट को एक दफ़ा चला देगा। अच्छा, इस पार्ट में अभी लिखा हुआ है I++, लेकिन इसमें कोई भी जावास्क्रिप्ट का कोड मैं लिख सकता हूँ, और ये भी ऑप्शनल है, चाहूँ तो उसको मैं खाली भी छोड़ सकता हूँ। अभी हम वो बाद में देखेंगे कि ऑप्शनल की चीज़ों को कैसे वो किया जाता है। तो ये I++ हो गया। I++ से क्या होगा, आई के वेरिएबल में जो जीरो था उसमें एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। अच्छा, इस पॉइंट पे आके हाँ ये सबसे लास्ट में चलता है। मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। पहले तो ये वही रिटर्न कर देगा जो वैल्यू होगी, तो बाद में इसमें लगा होता है। नहीं तो ये आई प्लस, देखो आई प्लस प्लस ने यहाँ पे क्या रिटर्न किया वो तो मैटर ही नहीं करता ना। यहाँ पे तो ये जीरो ही रिटर्न करेगा, लेकिन वो एक्चुअल वेरिएबल में इसने वन कर दिया इधर पीछे, ठीक है। तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या रिटर्न हो रहा है वो तो काउंट हो ही नहीं रहा, ठीक है। यहाँ पे तो मैं कह रहा हूँ कि कोई भी जावास्क्रिप्ट का यह कोड हो सकता है, ठीक है। फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे I++ लिखा है। I++ शॉर्टकट के तौर पर लिखा हुआ है, वैसे आप यहाँ प्लस I भी लगा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है, फ़र्क नहीं पड़ेगा कोई, ठीक है। अच्छा, तो ये इसने क्या किया, I++ ने जो भी वेरिएबल में वैल्यू थी ना उसमें एक प्लस कर दिया। इस पॉइंट पे आके एक आइट्रेशन इस फॉर लूप की कंप्लीट हो गई है, ठीक है। इस पॉइंट पे एक आइट्रेशन कंप्लीट हो गई है। अब अगली आइट्रेशन में इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट नहीं चलेगा, क्योंकि ये सर पहली दफ़ा में चलता है, पहली आइट्रेशन में चलता है। अब दूसरी आइट्रेशन में ये वाला पार्ट ये करेगा स्किप, और डायरेक्ट ये कहाँ से शुरू करेगा, कंडीशन चेकिंग से। अभी कंडीशन चेकिंग में क्या रिजल्ट आएगा, ट्रू या फॉल्स। अब ये अभी भी ट्रू आएगा, क्योंकि अभी आई में अब हो तो गया वैसे वन, लेकिन इतना इंक्रीमेंट नहीं हुआ कि ये कंडीशन ट्रू हो जाए या फॉल्स हो जाए। तो ये दूसरी दफ़ा चल रहा है और अभी भी कंडीशन जो है ये ट्रू है। कंडीशन ट्रू देखते ही फ़ौरन क्या करेगा, बॉडी को एक दफ़ा और चला देगा। सेकंड आइट्रेशन में ये बॉडी रन हो रही है और उसके बाद I++ हो जाएगा। यहाँ पे दूसरी आइट्रेशन कंप्लीट हो गई, ठीक है। यहाँ पे आके सेकंड आइट्रेशन जो थी वो कंप्लीट हो गई है। अच्छा, अब थर्ड आइट्रेशन में इनिशियलाइजेशन वाले पार्ट को स्किप करेगा, क्योंकि वो सिर्फ पहली दफ़ा चलता है। कंडीशन चेकिंग करेगा, इस वक्त आई में क्या हो चुका है, अब टू हो चुका है या थ्री हुआ है, क्योंकि जीरो से शुरू हुआ था इसलिए टू है। अच्छा, तो यहाँ पे अभी टू आ चुका है। कंडीशन क्या अभी भी ये ट्रू है, बिल्कुल। एक दफ़ा कोड ब्लॉक चलाएगा इंक्रीमेंट, अब क्या हो गया, इंक्रीमेंट के बाद आई में थ्री हो गया। अगली आइट्रेशन में कंडीशन ट्रू है, एक दफ़ा और चला दिया, इंक्रीमेंट कर दिया, फोर हो गया, फाइव हो गया, सिक्स हो गया, सेवन हो गया, एट हो गया। अब एट से शुरू करते हैं, अब एट है इस वक्त, यहाँ पे एट है, क्या अभी भी ये कंडीशन ट्रू है, अभी भी ट्रू है। तो ये इसको एक दफ़ा और चला देगा और यहाँ पे आके प्लस कर देगा। इस प्लस से क्या हो गया, अब नाइन हो गया ये, ठीक है। अब अगली आइट्रेशन में दोबारा चेक करेगा, नाइन इज़ लेस देन टेन, क्या अभी भी ट्रू है ये, बिल्कुल ट्रू है। एक दफ़ा और चला देगा इसको, एक और इंक्रीमेंट, यहाँ पे एक आइट्रेशन और कंप्लीट हो गई। इंक्रीमेंट लगने से क्या हो गया, आई में 10 हो गया। अच्छा, अब अगली आइट्रेशन में कंडीशन चेक होगी, इस पॉइंट पे आ गई, हो गई फॉल्स। जैसे ही इसको ये देखेगा ना फॉल्स है, बस ये यहीं से ब्रेक होगा और ये लाइन नंबर 20 पे आगे खड़ा हो जाएगा, और ऑनवर्ड्स अब कोड अगर कुछ होगा आगे तो उसको चलाएगा, अदरवाइज कोड ख़त्म, ठीक है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी ना, फिर ये ना बॉडी को चलाएगा ना ये इसको चलाएगा, कुछ भी नहीं करेगा, बस ये सीधा यहाँ आके खड़ा हो जाएगा, ठीक है, ब्रेक हो जाएगा। फॉर का लूप हमारा जो है वो ब्रेक हो जाएगा, लूप से बाहर आ जाएगा। अच्छा, ये सब लोगों को समझ आया कि कैसे हो रहा है ये फॉर लूप, किस तरह से चलता है, ये सब लोगों को समझ आया। अच्छा, इसको एक दफ़ा चला के देख लेते हैं। एक दफ़ा चला के देखने के लिए हम क्या करेंगे, कॉपी पाथ, यहाँ पे आके इसको मैं करूँगा पेस्ट, और यहाँ पे आके इंस्पेक्ट करूँगा मैं, ठीक है। जब तक आई में क्या था, नाइन था जब तक ये चला है, ठीक है, जीरो से शुरू हुआ था नाइन तक चला, इसका मतलब है 10 दफ़ा चला ये,
तो 10 दफ़ा यहाँ पे सम टेक्स्ट 10 दफ़ा लिखा हुआ गया। अच्छा, अब कौन मुझे ये सोच के गौर से बताएगा कि अगर मुझे ये सम टेक्स्ट की जगह 1 से लेकर 10 तक की अगर गिनती प्रिंट करवानी है तो मैं क्या करूँगा इस कोड में चेंजेस कि ये 1 से लेकर यहाँ पे मैं आई को लगा दूँ, यहाँ पे मैं आई लगा देता हूँ ऐसे, इससे 1 से 10 तक प्रिंट हो जाएगी गिनती? आर यू श्योर 1 से होगी या 0 से होगी? यस, और 0 से लेके कहाँ तक होगी? 9 तक होगी, 10 तक थोड़ी होगी। ये देखो 0 से लेके 9 तक हुई है, क्योंकि जब आई में जैसे ही 10 आया तो वो तो अगला ब्लॉक चला ही नहीं, फिर वो फॉल्स हो गया वहीं। ठीक है, तो 0 से लेके 9 तक यहाँ पे प्रिंट हो गया। अच्छा, लेकिन अब मुझे इसको करना है 1 से लेके 10 तक। अब कौन बताएगा कि ये 1 से 10 तक के लिए क्या करूँगा मैं? इसमें इक्वल्स टू लगाना पड़ेगा ऐसे, तो फिर ये अच्छा आई की वैल्यू को आप कह रहे हैं 1 कर दूं मैं, और इसको भी कुछ चेंज करूं या इसको रहने दूं? अच्छा 10 तक करना है तो इसमें इक्वल्स लगाना पड़ेगा, है ना? अच्छा हो गया 1 से 10 तक, लेकिन ऐसा हम कभी भी नहीं करेंगे, सही है? ऐसा हमने कभी भी नहीं करना, फॉर अ वेरी गुड रीज़न कि आई हमेशा हम 0 से शुरू करवाते हैं और 0 बेस इंडेक्सेस पे चलाते हैं, क्योंकि इंडेक्स होता ही 0 बेस है। अच्छा, अगर हम इसको 1 से कर देना तो उसमें कोई मज़ायका वैसे तो नहीं है, लेकिन वो उससे गड़बड़ होती है बहुत। तो हमेशा आपने कोशिश करना है कि फॉर लूप को आप 0 से शुरू करेंगे और 0 से, मिसाल के तौर पर 10 दफ़ा चलाना है तो 0 से 9 तक, अगर 20 दफ़ा चलाना है तो 0 से लेके 19 तक, ऐसे करेंगे आप। अच्छा, फॉर अ वेरी गुड रीज़न, वो क्या है? वो ये है कि फॉर लूप एरे के लिए बना है और एरे बना है फॉर लूप के लिए, सही है? अगर फॉर लूप मौजूद है और एरे नहीं है तो फॉर लूप का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, और अगर एरे मौजूद है और फॉर लूप नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जिस क्लास में हमने एरे पढ़ा था तो लास्ट में आपसे मैंने एक सवाल पूछा था कि यार ये एरे तो मैंने बनाया है, इसका फ़ायदा क्या है? तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, जब तक फ़ायदा नहीं है जब तक फॉर लूप ना सीन में शामिल हो जाए। जब तक सीन में फॉर लूप एंट्री नहीं मारता ना, एरे का कोई फ़ायदा नहीं है। आप तो वो ऐसे डब्बे डब्बे बना के आप लिख दें लाइन से, या सीधे अलग अलग वेरिएबल बना दें, तो कोई फ़र्क थोड़ी है इसका, एक ही बात है। फॉर लूप जब एंट्री मारता है और फॉर लूप के एक साथ कॉम्बिनेशन में जब आप एरे को इस्तेमाल करेंगे तो फिर दोनों का सेंस समझ आ जाएगा। अभी तो फॉर लूप का भी सेंस नहीं है कोई, खाली फॉर लूप का कोई फ़ायदा नहीं है। अब क्या करेंगे, यही एक ही लाइन को 10 दफ़ा प्रिंट करवाएंगे और क्या करेंगे? ठीक है, तो फॉर लूप बना है एरे के लिए, एरे बना है फॉर लूप के लिए। एरे का इंडेक्स बाई डिफ़ॉल्ट 0 से शुरू होता है, उसको तो चेंज कर भी नहीं सकते वैसे भी, लेकिन एरे ये एरे का तो फिक्स है, 0 से शुरू होता है वो। फॉर लूप का जो ये इंडेक्स है ना, ये आपके हाथ में है, आप इसको कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर तो नॉर्मल केस है ना, एक सिंपल सा केस है, तो उसमें आपने इसको 0 से शुरू करना है। वैसे आप कहीं से भी कर सकते हैं, आप -20 से शुरू कर दें या आप 12 से शुरू करें, 12, 13, 14, 15, ठीक है, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर केस। लेकिन अगर नॉर्मल सा केस है, सिंपल सा केस है, तो 0 से शुरू करें उसको, ठीक है। अच्छा, फिर सवाल ये है कि मिसाल के तौर पर मुझे प्रिंट कराना है इसको 1 से लेकर 10 तक, तो जहाँ पे प्रिंट कराना है ना, वहाँ पे मैं +1 करके प्रिंट करा दूँगा, ठीक है। इससे हमारी प्रोसेसिंग पावर क्या होगी, थोड़ी सी ज़्यादा इस्तेमाल होगी, लेकिन कन्वीनियंस हमारी बरकरार रहेगी, ठीक है, कन्वीनियंस हमारी बरकरार रहेगी। अच्छा, तो क्योंकि एरे और फॉर लूप हमेशा साथ साथ आते हैं, तो आपको आदत होनी चाहिए कि 0 से शुरू करें, तो बाद में कन्फ्यूजन नहीं होती, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती। समटाइम आप 1 से शुरू करते हैं, फिर आप उसको 1 से करा देते हैं, फिर बीच में एरे जब आता है तो आप कहते हैं अरे यार ये तो एरो तो 0 है, तो उसको वहाँ पे माइनस करवाना पड़ता है, फिर गड़बड़ होती है, बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये मैंने 1 से किया था या 0 से किया था, ठीक है जी। हाँ, ये भी अच्छा है, इन्होंने पूछा कि अगर यहाँ पे मैं प्री इंक्रीमेंट लगा दूँ +1 की जगह, तो फिर ये 1 से जो है ना डायरेक्ट फिर 2 होने के बजाय 3 होगा, फिर क्योंकि एक इंक्रीमेंट लग रही है यहाँ पे, एक इंक्रीमेंट लग रही है यहाँ पे, है ना, ये तो दो दो दफ़ा इंक्रीमेंट होगा फिर, ठीक है। तो कंट्रोल जेड करके मैं प्री इंक्रीमेंट हटाता हूँ फिलहाल, और सिर्फ +1 लगा के यहाँ पे उसको मैं चलाता हूँ, सही है।
अभी आते हैं आपके वाले। अच्छा तो ये क्या होगा, वन से लेके टेन तक प्रिंट हुआ है लेकिन एरे जीरो पे ही चल रहा है, जीरो बेस चल रहा है और नाइन तक चल रहा है, जीरो से नाइन तक। तो यहाँ पे मैंने वक्ती तौर पे उसको प्लस करके प्रिंट करवा दिया। अच्छा जैसे कि दोस्त ने कहा कि यार इसको आप क्या करेंगे यहाँ पे प्लस प्लस करवा दें, तो ये हटा देते हैं फिर, एक ही प्लस प्लस काफ़ी है। ठीक है, ये वाला पार्ट वैसे भी ऑप्शनल है फॉर लूप के, ये तीनों पार्ट ऑप्शनल है, इनिशियलाइजेशन भी, कंडीशन चेकिंग भी और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तीनों ऑप्शनल है। ठीक है, तो ये ऑप्शनल था जिसको मैंने हटा दिया, मैंने जस्ट यहाँ पे इंक्रीमेंट लगवा दिया, सही है, गुड इनफ। चला के देखते हैं, बिल्कुल सही चल रहा है वन से लेकर टेन तक। लेकिन अगर मैं दोनों लगा देता हूँ, ये वाला भी लगा देता हूँ ऊपर, तो फिर क्या होगा, वो डबल डबल कूदने लग जाएगा। देख रहे हो, वन से डायरेक्ट थ्री, थ्री से डायरेक्ट फाइव, तो मैंने इसलिए एक को मैंने हटा दिया यहाँ से। सही है, तो मसला बिल्कुल सेट है मेरा, अभी सिर्फ एक इंक्रीमेंट है ऑड के लिए। हाँ, ऑड नंबर के लिए बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, कि अगर वन से लेकर हंड्रेड तक के आपको सारे ऑड नंबर प्रिंट करवाने हैं या सारे इवन नंबर प्रिंट कराने हैं, तो इस तरह से भी आप करवा सकते हैं। ठीक है, तो सॉरी नहीं, यहाँ पे तो प्लस प्लस हो रहा है ना अंदर, ये तो बाहर निकलेगा तो फॉल्स यहाँ पे चेक होगा ना, वो तो जब यहाँ नाइन था ना, आई में जब नाइन था यहाँ पे, तो अंदर आया तो प्लस प्लस हो के प्रिंट हुआ, इसलिए टेन प्रिंट हुआ है, समझ रहे हो। यहाँ पे तो जब आखिरी दफ़ा ये चला है नौ के साथ चला है, लेकिन यहाँ नीचे आया ना जब, तो था इसमें नाइन, लेकिन यहाँ प्लस प्लस हो गया, टेन प्रिंट हुआ है, इस वजह से ये टेन तक जा रहा है। सही है, ये देखो वन और ये टेन, सही है। जब पहली दफ़ा चला था तो जीरो था इसमें, लेकिन अंदर आया तो प्लस प्लस हो के प्रिंट हुआ, तो वन प्रिंट हुआ, जीरो नहीं आया, और नाइन की जगह डायरेक्ट टेन आया। ठीक है, अच्छा बेसिक जो था समझ गए हम, यार ये बटन अभी दबा दिया आ जाएगा। अच्छा, अब मैंने ये जिक्र किया था आपसे कि ये तीनों पैरामीटर ना ऑप्शनल हैं, तो अगर मैं ये पहले वाले को खाली छोड़ दूँ तो क्या ये कोड अभी भी चलेगा? ये तीनों ऑप्शनल है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट, तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तो ये यहाँ पे हो गया ना, ये तो समझ आ गया। इनिशियलाइजेशन को मैंने उड़ा दिया, क्या ये कोड अभी भी सही चलेगा जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलेगा या कोई एरर दे देगा? चल जाएगा मगर इंडेक्स मांगेगा, इंडेक्स जीरो डिफॉल्ट। क्या बोल रहे हो भाई, आई अनडिफाइन है, सही है, तो उससे होगा क्या आई अनडिफाइन होने से? नहीं चलेगा, नहीं मतलब कोई एरर दे देगा या क्या होगा? अच्छा, पहली दफ़ा ये फॉर लूप चला, इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट रन तो होगा, कुछ है नहीं उसमें वो तो बात अलग है, तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे कुछ भी लगा दूँ या कुछ ना लगाऊँ तो कोई मसला नहीं है, एरर नहीं आएगा इससे, क्योंकि वो ऑप्शनल है। अब अगले पार्ट में ये पहुँचेगा, कंडीशन चेकिंग वाले पार्ट में। तो कंडीशन चेकिंग वाला जो पार्ट है हमारा, इसमें क्या चाहिए होता है उसको, ट्रू या फॉल्स चाहिए होता है। ठीक है, अच्छा ट्रू फॉल्स, या तो ट्रूथ ही फॉल्स ही वैल्यू, कोई और वैल्यू मिलेगी तो क्या करेगा, उसको पार्स कर लेगा। तो अभी यहाँ पे क्या रिटर्न हो रहा है इसको देखना पड़ेगा। आई जो है इस वक्त अनडिफाइन है या नॉट डिफाइन है, जो भी कह लो आप। अच्छा, तो एक तरफ नॉट डिफाइन है और लेस देन टेन, हमने लास्ट क्लास से भी, लास्ट में जब हम कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ रहे थे उस वक्त हमने देखा था कि कंपैरिजन ऑपरेटर को अगर नंबर से नंबर कंपेयर हो जाता है, स्ट्रिंग से स्ट्रिंग कंपेयर हो जाता है, अगर बिल्कुल ही कोई अनडिफाइन चीज़ मिल जाए तो क्या करता है कंपैरिजन ऑपरेटर? कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करता है, भूल गए? हाँ, तो अनडिफाइन एक फॉल्सी वैल्यू है और लेस देन और टेन उसको बताया गया है। तो अब यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर क्या एरर दे देता है इस केस में, या उसको पार्स वार्स करके कोई गुजारा कर लेता है, ये हमने डिस्कस किया था। ये अब तुम लोगों को याद नहीं है, ब्लैंक बैठे हुए हो सारे तुम लोग। अगर तो इसको ये घुमा फिरा के फॉल्स ही कर लेता है और फॉल्स कर लेता है कुछ, क्योंकि कंपैरिजन ऑपरेटर हमेशा या तो ट्रू या तो फॉल्स रिटर्न करता है, कोई तीसरी चीज़ रिटर्न ये नहीं करता है। इसको दो ही चीज़ रिटर्न करनी आती है, या तो इन दोनों में से कोई एक रिटर्न करेगा या तो एरर मारेगा। तो ट्रू तो किसी भी हाल में नहीं होगा, ये या तो फॉल्स है या तो एरर है। अब बताओ तुम लोगों में से किसी ने ये करके देखा है पहले?
हमने ये कंपैरिजन ऑपरेटर की जो क्लास पढ़ी थी उसमें बड़े डिटेल में हमने डिस्कस किया था कि कंपैरिजन ऑपरेटर कब कैसे बिहेव करता है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में कोई भी आप में से बताना चाहे तो बता सकता है कि क्या होगा यहाँ पे। एरर आ गया। अच्छा, तो देखो अनडिफाइन जो होता है ना वो फॉल्सी वैल्यू है, लेकिन ये अनडिफाइन नहीं है, ये गौर से समझने वाली चीज़ है, ये अनडिफाइन नहीं है ये वैल्यू, ये नॉट डिफाइन है। अनडिफाइन और नॉट डिफाइन में एक डिफरेंस होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। अनडिफाइन वो वैल्यू होती है जो डिफाइन तो हो चुकी है लेकिन उसमें कोई वैल्यू मौजूद नहीं है, जैसे कि एरे का कोई ऐसा इंडेक्स जिसमें कोई वैल्यू नहीं है वो अनडिफाइन है, लेकिन कोई ऐसा वेरिएबल का नाम जो बना हुआ ही नहीं है अभी तक, दैट इज़ नॉट डिफाइन। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर आके कह देता हूँ ना लेट ए और ऐसे, बस एक तो ए इक्वल्स टू फाइव होता है ना या सिक्स होता है, तो इसमें तो ए की वह नाम से वेरिएबल भी बना दिया, वैल्यू भी डाल दी, लेकिन मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ ना सिर्फ लेट ए कर दूँ, तो इस केस में क्या होता है ये वेरिएबल बन तो जाता है लेकिन ये अनडिफाइंड रहता है, इसमें कोई वैल्यू नहीं होती। बट कोई ऐसा वेरिएबल है जैसे कि आई, वो आई तो इस तरह से बना हुआ भी नहीं है, है ना, तो इससे क्या होगा कि ये नॉट डिफाइन की कैटेगरी में चला जाएगा। अच्छा, अगर मैं ये करूँ ना लेट आई, तो अब ये क्या हो गया, आई डिफाइन तो ये हो गया, नॉट डिफाइन से तो ये निकल के बाहर आ गया, लेकिन अभी भी ये अनडिफाइन है, सही है, तो अब ये अनडिफाइन से इसको कंपेयर कर रहा है, अब बताओ क्या होना चाहिए। अभी तो फॉर लूप की बात ही नहीं है, अभी तो मसला कंपैरिजन ऑपरेटर को पढ़ा हुआ था ना कि नॉट डिफाइन से वो कंपेयर कैसे करे, तो ये एरर फॉर लूप ने नहीं दिया था मुझे, ये दिया था कंपैरिजन ऑपरेटर ने। अच्छा, तो अब बताओ अनडिफाइन हो गया, अब देख लेते हैं चला गए, हाँ नहीं चलेगा तो क्या बोलेगा, करेगा क्या, बिहेवियर बताओ ना, फॉल्स कर देगा, चलेगा और फॉल्स कर देगा, दोस्त एक ये कह रहे हैं, बाकी लोग नहीं, प्रिंट थोड़ी करवा रहा हूँ मैं कुछ जो अनडिफाइन प्रिंट होगा, या तो ट्रू हो जाएगा यहाँ पे इस जगह पे, या तो ट्रू हो जाएगा या तो फॉल्स हो जाएगा, तो अनडिफाइन तो प्रिंट थोड़ी करवा रहा हूँ मैं इस वैल्यू को, प्रिंट करवाऊँगा आई को तो मैं अनडिफाइन ही प्रिंट होगा ये तो पता है, लेकिन यहाँ पे क्या बिहेवियर होगा, कंपैरिजन ऑपरेटर का बिहेवियर क्या होगा, फॉल्स करेगा कंपेरिजन ऑपरेटर, देख लेते हैं ज़रा। अच्छा, रिफ्रेश किया मैंने, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं होने का मतलब है ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है, कुछ भी नहीं होने का मतलब है कि ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। अच्छा, तो फॉल्स रिटर्न करने की वजह से क्या हुआ कि पहली ही दफ़ा में ये कंडीशन चेक होने से पहले ही फॉल्स हो गई, तो जाहिर है वो यहीं पर ब्रेक हो गई, आगे ना ब्लॉक उसने चलाया ना इंक्रीमेंट विनक्रीमेंट कुछ भी नहीं चलाया, यहीं पर ब्रेक हो गया हमारा कोड, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे अगर मैं इसको कर दूँ इधर से बाहर से आके कि आई इक्वल्स टू ज़ीरो, तो अब ये ट्रू होना शुरू हो जाएगा, अब तो ये फॉल्स नहीं होगा, तो अब इसका मतलब है कि ये चल पड़ेगा, इस किसी का कोई एतराज़ तो नहीं है ना कि ये ट्रू होगा, इसमें किसी को कोई शक तो नहीं है ना कि ये ट्रू होगा या नहीं होगा, 100% ट्रू है क्योंकि ऊपर से इसको ज़ीरो मिल रहा है, ठीक है, और ये यहाँ पे कंडीशन ऑब्वियसली ट्रू होगी है, तो इसका मतलब है कि ये ट्रू होके आगे बढ़ेगा। अच्छा, फिर बॉडी को रन करेगा, फिर इंक्रीमेंट में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं चलाएगा, तो देखते हैं इस केस में क्या होता है। बिल्कुल 1 से लेकर 10 तक ना सीधे सीधे तरीके से चल गया ये, क्योंकि इंक्रीमेंट तो नहीं है लेकिन अंदर बॉडी में ही इंक्रीमेंट हो जाता है, तो इंक्रीमेंट वाले पार्ट में तो कुछ नहीं है, इंक्रीमेंट वाला पार्ट तो ऑप्शनल है लेकिन इंक्रीमेंट मैंने अंदर करवाया है कहीं ना कहीं, हाँ अगर ये ना करें तो अब अगर ये ना प्रिंट करें तो इसका जवाब आप लोग बताएंगे, पहली दफ़ा में क्या हुआ ये, नहीं वो तो इधर ड्राई रन से पता चलेगा ना, जो अभी तक हम रूल फॉलो करते हुए आ रहे हैं उस रूल के तहत मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर आप बताएंगे कि क्या होगा। अभी 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 करते हैं, इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट पहले चलेगा, दोबारा से हम शुरू से चला रहे हैं लूप को, इनिशियलाइजेशन वाले पार्ट में कुछ नहीं था तो कुछ नहीं होगा, कंडीशन चेकिंग क्योंकि वेरिएबल मिल रहा है तो ट्रू हो जाएगी, ट्रू हो गई, उसके बाद बॉडी चला, फिर इंक्रीमेंट वाले पार्ट में नहीं कुछ नहीं था तो कुछ नहीं होगा, एक एक आइट्रेशन कंप्लीट हो गई, अब अगली आइट्रेशन है, कंडीशन चेक होगा, यहाँ आई में अभी भी क्या है, ज़ीरो ही है जो पहले था, तो ये तो ट्रू हो गया, अगली दफ़ा भी फिर ये बॉडी चला, दूसरी आइट्रेशन कंप्लीट हुई,
फिर ये तीसरी दफ़ा तो ये फिर ट्रू है, ये तो जीरो से बढ़ ही नहीं रहा ना, आपको ना हिल रहा है ना वन हो रहा है ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, तो ये आई क्योंकि फिक्स है कहीं पे भी इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, तो ये क्या कंडीशन, ये कभी भी ट्रू होगी ज़िंदगी में, कभी भी फॉल्स होगी, ये हमेशा ट्रू रहेगी। तो इसका मतलब है कि लूप एक बार शुरू हो गया तो ये कभी भी नहीं रुकेगा, और इस फेनोमेना को हम कहते हैं इनफाइनाइट लूप। ठीक है, प्रोग्रामर की गलती से समटाइम लूप इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, तो ये वन ऑफ दोज मिस्टेक्स अब उस चौराहे पे पहुंच गए। ठीक है, तो हमने इस पॉइंट पे क्या रियलाइज किया कि बावजूद इसके कि ये तीनों आइटम जो है वो क्या है, ऑप्शनल है, लेकिन एक लूप को चलाने के लिए ना ये तीन बेसिक एलिमेंट्स हैं, ये तीनों एलिमेंट मुझे कुछ ना कुछ करके जुगाड़ मारने ही पड़ेंगे, है ना, इन तीनों चीज़ों के बगैर लूप में ना कुछ गड़बड़ होती रहेगी। तो इस वजह से असल में लूप का जो कंस्ट्रक्ट है, जो फॉर लूप इज़ अ कंस्ट्रक्ट, तो उस कंस्ट्रक्ट में इन तीनों चीज़ों को टॉप पे इसीलिए रखा गया कि ये तीन मेन इंग्रेडिएंट्स हैं एक लूप को चलाने के लिए। ठीक है, तो अभी मैं इस कोड को चलाता हूँ और इनफाइनाइट लूप का ज़रा हम एक्सपीरियंस करते हैं कि वो क्या है। ठीक है, इसको मैं एक नए टैब में ऐसे पेस्ट करूँगा और पहले से मैं इसमें इंस्पेक्ट एलिमेंट खोल लेता हूँ क्योंकि बाद में खोलने का ये मौका नहीं देगा, और ये मैंने इसको चला लिया। अब जैसे ही मैं एंटर का बटन इधर पेस्ट किया मैंने, ये जैसे ही एंटर का बटन प्रेस करूँगा ना, वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स ना वो कॉन्सोल डॉट लॉग जो लिखा है मैंने बॉडी में वो आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फ़ौरन ही मैं टैब को क्लोज़ कर दूंगा, क्योंकि अगर मैं टैब को क्लोज़ नहीं करता हूँ फ़ौरन तो क्या होगा, मेरा प्रोसेसर जो है वो क्या होगा, एकदम छत से लग जाएगा और रैम वैम सब एकदम छत से लग जाएगी, और क्योंकि वो इनफाइनाइट लूप चल रहा है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो दिख रहा है मेरे टॉप पे स्क्रीन के, ये मेरा प्रोसेसर की एक्टिविटी शो कर रहा है, जो हल्का सा सी ग्रीन है ये लो परफॉर्मेंस प्रोसेसर है, और ये जो डार्क ब्लू है ये हाई परफॉर्मेंस कोर्स है, तो ये हाई और लो परफॉर्मेंस दोनों कोर यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे ये दोनों छत से लग जाएगा जाके, जब लाइट वेट काम हो रहा होता है तो आप नोट करें, अभी लाइट वेट काम हो रहा है ना, तो ये लो परफॉर्मेंस वाला ही चल रहा है, हाई वाला नहीं चल रहा। अच्छा, हाई वाला थोड़ी देर में हिलता है, वो थोड़ी देर में इसलिए हिलता है क्योंकि साथ साथ स्क्रीन की रिकॉर्डिंग भी चल रही है जो कि एक हाई परफॉर्मेंस टास्क है, तो इसलिए वो भी हिलता है थोड़ी थोड़ी देर में, वरना ये लो वाला चलता है। अच्छा, जैसे ही मैं ये करूँगा ना, इसको यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा, तो आप देखेंगे वो एकदम ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला गया, थोड़ा सा दिख रहा है, और ये कंटिन्यूसली ये नंबर देखो बढ़ता जा रहा है, 40,000 दफ़ा चल गया लूप ये हमारा, और ये देखो ऊपर एकदम चला गया है, हाई परफॉर्मेंस भी। ठीक है, और अब मैं इसका टैब बंद नहीं कर सकता, देर हो गई है, ये बंद हो तो जाएगा, मैंने क्लिक करके थोड़ी देर छोड़ा है, तो थोड़ी देर बाद वो क्लिक ने असर दिखाया अपना, क्योंकि हमारा जो प्रोसेसर है वो क्या करता है, वो टाइम शिफ्टिंग करता है, जितने भी टास्क चल रहे होते हैं प्रोसेसर पे एट द सेम टाइम, उसमें वो टाइम शेयरिंग करता है। तो मैंने क्लिक किया तो आपने देखा थोड़ी देर में काम हुआ क्लिक का, वो थोड़ी देर में मुझे टाइम मिला मेरे प्रोसेस को करने का, तो मैंने वो टैब बंद करवा दिया। ठीक है, हाँ ठीक है, तो ये समझ आ गया सब लोगों को कि ये तीन इसके जो आइटम्स हैं ना, ये तीनों ऑप्शनल हैं। अच्छा, अगर मैं ये बीच वाला भी हटा दूँ, अभी तो बिल्कुल खाली कर दिया ना हमने लूप को, अब क्वेश्चन मेरा ये है कि फॉर लूप चलेगा, इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट जो है वो तो पहले रन होगा, उसमें कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, कंडीशन चेकिंग वाला पार्ट उसके बाद चलेगा और उसमें कुछ भी नहीं है, तो अब यहाँ तो या तो ट्रू होता तो लूप चलता आगे, फॉल्स होता तो यहीं रुक जाता। अनडिफाइंड नहीं, अब ये बताओ कि क्या उसको ट्रू कंसिडर करेगा या फॉल्स कंसिडर करेगा, फॉल्स करेगा, आर यू श्योर, ट्रू करेगा, सही है। अच्छा, इफ एल्स में क्या होता है, बाय द वे, इफ एल्स में अगर मैं इफ की ब्रैकेट को खाली छोड़ दूं तो ट्रू लेता है फॉल्स लेता है, इफ का जो ब्रैकेट होती है जिसमें हम कंडीशन लिखते हैं उसमें अगर मैं कुछ ना लिखूं तो क्या होता है, इफ की ब्रैकेट के अंदर जो कंडीशन है या जो ट्रू वो रिक्वायर्ड है, वो ऑप्शनल नहीं है। इफ़ की ब्रैकेट को अगर मैंने खाली छोड़ा ना तो मुझे साथ साथ एरर देता है, कहता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखना ज़रूरी है, रिक्वायर्ड है, दैट इज़ नॉट एन ऑप्शनल, ऑप्शनल पैरामीटर नहीं है वो, वहाँ पे कुछ ना हो, ए बी सी लिख दो, काओ लिख दो, कुछ भी लिख दो, कंडीशन लगा दो, कुछ नहीं लिखा आपने तो एरर देता है, करके दिखा देता हूँ, अभी यहीं पे हाथ के हाथ ही एरर दे देगा वो। ठीक है, देखो ये एरर दे रहा है,
क्या लिखा हुआ इसने, एक्सप्रेशन एक्सपेक्टेड, कह रहा है कि यहाँ कुछ तो लिखो भाई, मज़ा नहीं आ रहा, सही है। फॉर लूप में वो तो एरर है, वो चलेगा ही नहीं, कोड ही नहीं रन करने देगा वो, ट्रू फॉल्स की तो कहानी बात की है। यहाँ पे ऑन अदर हैंड ये ऑप्शनल है, और इसका बिहेवियर ये है कि अगर आपने कुछ नहीं लिखा तो उसको बाय डिफॉल्ट ये ट्रू कंसिडर करता है। हाँ नहीं, ये कुछ नहीं है ना, यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग होता तो फॉल्स होता ये। अगर मैं ये एम्प्टी स्ट्रिंग लिख दूंगा ना, तो एम्प्टी स्ट्रिंग क्या होता है, फॉल्स ही वैल्यू होती है, तो अब ये फॉल्स है। हाँ इसमें फॉल्स ही, उसमें भी इफ एल्स में भी यही होता है कि इफ़ में अगर आपने एम्प्टी स्ट्रिंग लिख दिया तो सही है, वो काफ़ी है उसके लिए, फॉल्स है। लेकिन कुछ नहीं लिखा, खाली छोड़ा, दैट इज़ एन एरर, ठीक है। अच्छा, अगर इसमें मैंने स्पेस दे दिया एक, तो ये ट्रू हो गया, क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग फॉल्स है, स्पेस अगर आ गया तो ट्रू है फिर वो, या कोई एक टी लिखा हुआ आ गया, कुछ भी आ गया। या अगर मैंने ज़ीरो दे दिया तो भी ये फॉल्स है, लेकिन अगर खाली छोड़ा तो इसका मतलब है कि पैरामीटर दिया ही नहीं है मैंने सिरे से। और अगर इसको जब पैरामीटर नहीं मिलता है सिरे से, तो ये उसको क्या कंसिडर करता है, ट्रू। ये फॉर लूप के स्पेसिफिक केस में ये होता है। हाँ अच्छा, तो जब ये ट्रू है तो ये इनफाइनाइट है, क्योंकि जब ये सिर्फ यहाँ पे हर दफ़ा ही ट्रू है, फिर अगली दफ़ा आएगा फिर ट्रू है, अगली दफ़ा आएगा फिर ट्रू है, वो तो चेंज कभी भी नहीं होगा। तो ये भी लूप क्या है, वो इनफाइनाइट लूप है। आ जाते हैं, इसको हम कॉपी करते हैं, एक नए टैब में इसको ओपन करता हूँ मैं, ताकि ईजिली उसको क्लोज कर सकूँ। ठीक है, ये मैंने एंटर किया और ये भी इनफाइनाइट चल गया, सही है। उसके बाद मैंने इसको बंद करने के लिए क्लोज का बटन दबा दिया। हाँ नहीं, मैच नहीं कर रहा ना, जब कोई कंडीशन नहीं है तो ट्रू है उसके ख्याल में। अच्छा, क्या मैं इस तरह से इसको लूप को सही तरह चला सकता हूँ, तीनों पैरामीटर दिए बगैर, और लूप को परफेक्टली रन करूँ? मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, सही है, बिल्कुल कर सकता हूँ। का मतलब क्या है कि इनिशियलाइजेशन तो मैंने यहाँ दे दी, ठीक है, इंक्रीमेंट मैं यहाँ कहीं ना कहीं करवा दूंगा बीच में, मैंने कहा प्लस प्लस आई तो ये इंक्रीमेंट हो गया। अब एक चीज़ ये रह गई कि ये जब खुद से ये ब्रेक नहीं होगा लूप, कंडीशन हर दफ़ा ट्रू है तो उसको ये ब्रेक कैसे होगा, मसला सारा यहाँ आके रुकेगा, ये ब्रेक कैसे होगा? तो ब्रेक ये ऐसे होगा कि ब्रेक का कीवर्ड है, इसको हाथ से भी ब्रेक किया जा सकता है ब्रेक के कीवर्ड से। अच्छा, तो मैं एक छोटा सा यहाँ पे एक बात लिख दूँ, अगर कि इफ आई जो है अगर वो बड़ा हो जाए 9 से तो ब्रेक कर दो, ठीक है। तो ये लूप घूमेगा, ये हर दफ़ा जब घूमेगा ना तो आखिर में ये कंडीशन चेक होगी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, अभी क्या है इसमें, आई में 0 है, इंक्रीमेंट लगते लगते एक पॉइंट आएगा कि ये 9 से बड़ा हो जाएगा, जैसे ही 9 से बड़ा होगा ब्रेक कॉल होगा और ये बाहर आ जाएगा इस ब्रैकेट से, ठीक है। तो आपने ये ब्रेक का कीवर्ड भी समझ लिया कि ब्रेक का कीवर्ड क्या करता है, ठीक है। अच्छा, ब्रेक का कीवर्ड वैसे आमतौर पर इसलिए लगाया जाता है कि आपने मिसाल के तौर पर एक एरे था, अब उसके 100 इंडेक्सेस हैं, अब आपने कोई एक रोल नंबर लिया और आपने उस तलाश करना है कि ये कौन से इंडेक्स पे मौजूद है मिसाल के तौर पे, तो अब एक एक करके उसको चलाना शुरू करेंगे। अब इमेजिन करेंगे वो 10वें इंडेक्स पे जाके वो रोल नंबर आपको मिल गया, अब वो लूप तो चलेगा आखिर तक, आप चाहते नहीं अब रुक जाए यहाँ पे, हो गया मेरा काम, इतना घुमाने की अब ज़रूरत नहीं है, जब हो गया काम तो उस पॉइंट पर लगाते हैं ब्रेक, क्या इफ़ रोल नंबर फाउंड ब्रेक कर दो, यहीं रुक जाओ, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ब्रेक का असल काम तो वो है, लेकिन ये इस तरह भी आप कर सकते हैं उसको। तो ये फॉर लूप के अंदर ये जितनी पॉसिबिलिटीज़ थी ना, वो हमने सारी कवर कर ली है। कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, कोई सवाल तो नहीं है जो रह गया हो फॉर लूप को लेकर? जी हाँ, कंटिन्यू का भी एक कीवर्ड होता है। कंटिन्यू का कीवर्ड ये होता है कि बिल्कुल इसी तरह लिखते हैं हम, कंटिन्यू का कीवर्ड ना वैसे बहुत रेयरली इस्तेमाल होता है, ठीक है। कंटिन्यू कीवर्ड का मतलब ये होता है, मैंने कहा कि भाई अगर इफ आई जो है, इसका मतलब क्या होता है कि इवन नंबर अगर है ये, ठीक है, तो कंटिन्यू, मैं आई तो पहले 0 है, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, तो मैंने कहा कि भाई आई अगर इवन नंबर है तो कंटिन्यू कर दो। इससे होगा ये कि पहली दफ़ा में जब ये 0 होगा तो इसका, ये 0 क्या होता है, इवन होता है ऑड होता है? 0 इवन होता है या ऑड होता है? मैं अगर 0 को मॉड्यूलस मारूंगा 2 से तो इवन है ना, ये 0 आ गया तो इवन है, ठीक है।
तो ये जब जब इवन होगा ना, जब जब क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। अच्छा, कंटिन्यू का बिहेवियर क्या है? जैसे ही कंटिन्यू चलेगा, ये बॉडी के अंदर मजीद जितनी भी चीज़ें हैं इसको ये स्किप करेगा और अगली आइट्रेशन में चला जाएगा वहीं से, है ना। असूलन तो ये होना चाहिए कि पूरी बॉडी को रन करे नीचे तक, लेकिन जैसे ही ये कंटिन्यू का कीवर्ड देखेगा, ये क्या करेगा, बॉडी के नीचे की चीज़ों को रन नहीं करेगा, बल्कि यहीं कंटिन्यू देखते ही ना फौरन अगली आइट्रेशन में चला जाएगा। अगली आइट्रेशन में क्या होता है, जो इंक्रीमेंट चलता है लास्ट वाला, मतलब आइट्रेशन जब कंप्लीट होती है तो क्या होता है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन चेकिंग, उसके बाद ये बॉडी रन होती है। अब बॉडी में कंटिन्यू आ गया फौरन यहीं पे, तो नीचे तक नहीं चलेगा, अब ये तीसरे नंबर पे यहाँ आ जाएगा, आइट्रेशन यहाँ कंप्लीट हो जाएगी, फिर अगली आइट्रेशन पे यहाँ से शुरू करेंगे। तो कंटिन्यू का कीवर्ड जो बहुत रेयरली यूज़ होता है, लेकिन ये है कि जहाँ पे ज़रूरत पड़ जाए वहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल रहता है, ठीक है। तो कंटिन्यू को हमने हटा दिया इसमें से, तो ब्रेक समझ लिया हमने, कंटिन्यू समझ लिया। फॉर लूप में किसी और का कोई क्वेश्चन, कोई सवाल ऐसा? हाँ, अभी तो फॉर लूप को कंटिन्यू कर लेना, अगर हम कंप्लीट हो जाए फॉर लूप, तो उसके बाद फिर हम फॉर लूप का टॉपिक ख़त्म होगा ना, तो दोनों को साथ में अब कैसे यूज़ करते हैं फिर हम वो सीखेंगे, उसकी तरफ हम मूव करने वाले हैं अभी फौरन। सिर्फ लूप को लेके किसी का कोई क्वेश्चन अगर? जी हाँ, ये मैंने जैसे कि शुरू में जिक्र किया था कि आप इसका नाम ना आई के अलावा कुछ भी रख सकते हैं, आप ए रख सकते हैं, लेकिन जाहिर है फिर हर जगह इसको ए करके बोलना पड़ेगा आपको, यहाँ भी ए करना पड़ेगा और यहाँ भी ए करना पड़ेगा, ठीक है। इसका, इसको आई रखते क्यों हैं, इसको आई रखना कन्वेंशन है, इसका कोई भी नाम रखें आप काम ये सही करेगा, लेकिन कन्वेंशन ये है कि इसका नाम आई रखा जाए। डेवलपर्स आई ज़्यादा सही समझ आता है, आई स्टैंड फॉर इंडेक्स, इंडेक्स ये एरे के इंडेक्स वाली बात हो रही है, एरे का जीरो इंडेक्स, वन इंडेक्स, टू इंडेक्स, ये उस इंडेक्स की बात हो रही है, ठीक है। तो बेहतर ये है कि इसका आप आई नाम रखें, लेकिन आई रखना ज़रूरी नहीं है, अगर आई के अलावा कुछ और रखेंगे तो कोई एरर नहीं आएगा, कोड बिल्कुल सही चलेगा किसी और नाम से भी रखेंगे तो। जी और कोई क्वेश्चन? जी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं बिल्कुल, मिसाल के तौर पे यहाँ मतलब आई को मैंने सीधा सीधा प्रिंट करवा दिया, और यहाँ पे आके मैंने कहा कि आई मल्टीप्लाई बाई टू, ये कर रहे हो, आई इक्वल्स टू होगा ना फिर, आई इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई बाई टू, तो पहली दफ़ा में ज़ीरो है तो ज़ीरो मल्टीप्लाई बाई टू ज़ीरो ही रहेगा, अगली दफ़ा में क्या होगा, नहीं तो ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा ना, तो पहली दफ़ा में ये ज़ीरो से वन हो ही नहीं रहा, पहली दफ़ा में तो अगली दफ़ा भी ज़ीरो ही रहेगा, ज़ीरो ही रहेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, शायद इसको शुरू में वन कर दूंगा मैं, मे बी, ठीक है, या मे बी नीचे कोई कंडीशन लगाऊंगा कि अगर वन है ना ये तो वन ही रहने दो इसको, सही है, या ज़ीरो है तो वन कर दो उसको खुद ही, कुछ ना कोई ऐसी जुगाड़ करनी पड़ेगी मुझे। वेल, तो पॉइंट कहने का ये है कि इसमें आप मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं, ठीक है। इनके बाद से एक बात मुझे याद आई कि अगर मिसाल के तौर पर मुझे लूप नेगेटिव में चलाना हो, माइनस में चलाना हो, तो ज़ीरो से शुरू करके आप मुझे कहाँ लेके जाना है इसको, माइनस माइनस पे, और कहाँ तक लेके जाना है माइनस में। मैंने कहा कि आई जब तक बड़ा रहे किससे, माइनस नाइन से, तो जैसे ही माइनस नाइन से छोटा होगा ब्रेक हो जाएगा ये, तो अब जो हमारे पास चीज़ प्रिंट हो रही होगी वो क्या प्रिंट हो रहा होगा, नेगेटिव। ये एक में ही क्यों बंद हो गया, अच्छा ये मैंने नहीं ब्रेक तो किया हुआ, ये उल्टा मैंने लगा दिया कंडीशन, आई जब तक बड़ा रहे ना, ये होगी कंडीशन, तो माइनस नाइन से बड़ा रहे आई जब तक, ये आ गया ना, माइनस वन से माइनस टेन तक ये प्रिंट हो गया अभी तो। तो हम लूप को नेगेटिव में भी चला सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम लूप को क्या कर सकते हैं, वापस मैं उसको प्लस प्लस में ला रहा हूँ, इसको वापस मैं प्लस प्लस में ला रहा हूँ, तो इसको मैं अगर 23 से शुरू करूँ और 23 से शुरू करके इसको मैं 40 तक ले जाना चाह रहा हूँ, तो मैं ये भी कर सकता हूँ, लेकिन बेहतर ये कि हम इसको ज़ीरो से ही शुरू करें, क्योंकि आमतौर पे एरे के साथ यूज़ होता है ना। अब मैंने क्या किया, आई जब तक छोटा रहे 40 से, सही तो है, कंसोल ही आया हुआ तो है, क्यों नहीं चला, एक दफ़ा ही चलता है, ठंडा हो जाता है, वाई नहीं, कंडीशन मेरी चेंज होगी ना, आई जब बड़ा हो जाए 40 से, ये होगी कंडीशन, तो छोटा तो 23 अभी भी है, तो सही है ना, कंडीशन पहली दफ़ा में ट्रू हो जा रही है,
मैंने वो माइनस के लिए कंडीशन को पलटा था ना, तो अभी प्लस में आ गया तो कंडीशन को पलटना पड़ेगा वापस। अब आ गया ना ये देखो 22 किससे मैंने 23 से किया था, हाँ 23 से शुरू किया था इसको मैंने, और प्लस 1 करके प्रिंट कर रहा है तो 24 प्रिंट हो रहा है और 41 तक गया ये। ठीक है, तो जब तक यहाँ पे 40 होगा ना जब तक चलेगा, तो 40 क्योंकि प्लस प्लस करके प्रिंट कर रहा हूँ तो 41 तक जा रहा है ये। तो एरे में ये जो जो पॉसिबिलिटीज़ थी वो सब कर दी। अच्छा, लास्ट में मैं क्या करूँगा, इसको इन सारी चीज़ों को रिमूव करके इसको सीधा सीधा जो लेट आई इक्वल्स टू ज़ीरो, सही है, आई जब तक छोटा रहे 10 से और आई प्लस प्लस, ये मैंने कर दिया। ठीक है, इस ब्रेक को मैं हटा रहा हूँ यहाँ से और इसको सीधा सीधा मैंने क्या किया, मैंने कहा आई प्लस 1, है ना, प्लेन फॉर लूप। आसान है प्लेन फॉर लूप, वो वाला तो वन विलिंग थी। अच्छा, आम तौर पे आपको वो वाला काम नहीं करना जो अभी मैंने इतना आगे ले गया मैं आपको, आम तौर पे ये प्लेन तरीके से आपने चलाना है। ठीक है, वो जो प्लेन तरीके से जो काम हो रहा है ना उससे ज़्यादा मस्ती नहीं करनी है। हाँ, जब प्लेन वाले से काम ना हो रहा हो, कोई ऐसा मसला हो जाए, कोई ऐसी चीज़ सिचुएशन आ जाए, तो फिर आपने ये वाला काम करना है कि उसको आपने घुमा फिरा के या कुछ करके ऐसे करना है। लेकिन नॉर्मल केसेस में आई को ज़ीरो से शुरू करेंगे आप और यहीं पे कंडीशन लगा के उसको जहाँ तक चलाना है वहाँ तक चलाएंगे। बॉडी में सीधा सीधा जहाँ पे अगर प्लस करके करना हो तो ऐसे प्लस करवा के उसको प्रिंट करवा देंगे आप। दैट्स इट। जी, कितनी बार ए एरे, जितनी बार भी बनाना चाहो। हाँ, दूसरे वेरिएबल नहीं, मैं तुम्हारा सवाल नहीं समझाइए, तुम एरे का पूछ रहे हो। देखो, एरे मैंने बनाया कि एक रोल नंबर्स के नाम से मैंने एक एरे बनाया, अब उसके 2000 इंडेक्सेस हैं। ठीक है, अब मैं दूसरा जो एरे बनाऊंगा, ज़ाहिर है वो एग्जैक्टली सेम नाम से नहीं बना सकता, मैं नाम मुझे चेंज करना होगा, लेकिन एरे तो बन सकता है, दूसरे नाम से बनेगा। अच्छा, ये तुम्हारा अच्छा सवाल है कि अगर मैं दो लूप चला रहा हूँ ऐसे, तो ये वाला जो आई है और ये वाला जो आई है, इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो तो सेम है, तो आई के नाम से दो वेरिएबल तो नहीं बन सकते। आ जाओ इधर, चला के देख लेते हैं। सही चल गया। इसको तो एरो देना चाहिए ना कि लेट आई तो बना हुआ है पहले से, यहाँ पे तो नहीं बनना चाहिए इसको। कहाँ पे इनिशियलाइज हुआ है? अच्छा, यहाँ पे अगर मैं लेट आई बना दूँ तो एक दफ़ा यहाँ लेट आई कर दिया, एक दफ़ा यहाँ कर दिया, तो अभी भी सही चल गया। एक से दस तक यहाँ अलग चला है, फिर नीचे एक से दस तक अलग चला है। अच्छा, यहीं पे अगर मैं दो बार कर दूँ लेट आई, अब एरर है ये। सही है। अच्छा, सी लैंग्वेज में ऐसे होता है कि ये वाला कॉन्टेक्स्ट ना ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट होता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में ये ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट नहीं है। हाँ, वार करके मैं बनाऊंगा फिर मस्ती है यहाँ पे। अगर मैं वार करके बनाऊंगा ना तो फिर ये गड़बड़ करेगा। देखो, इसने अभी यहीं दे दिया, जैसे जब तक लेट था ना ये जब तक सही था, जैसे ही मैंने उसको वार किया ना ये एरर दे दिया इसने। वार जब करते हैं ना तो उससे वेरिएबल बनता है ग्लोबल। देखो, इसको वार करूंगा मैं तो ये एरर दे देगा। अच्छा, यहाँ तो नहीं दिया इसने, लेकिन चलने में शायद ये दे दे। अच्छा, चलने में भी नहीं दिया। खैर, वो लेट करके आप बनाएंगे ना नया वाला तो वो सही है, उसमें कोई मसला नहीं है। दो मैंने बना दिया, दोनों में सही चल रहा है, क्योंकि ये जो है ना इसका कॉन्टेक्स्ट ये इसके अंदर है, फॉर लूप के अंदर है। अच्छा, इसको एक तरीके से और भी वेरीफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे आके ना मैं कॉन्सोल डॉट लॉग करूँ कि क्या मुझे ये आई यहाँ पे मिलता है। है ना, कि फॉर के यहाँ पे जो अंदर मैंने आई बनाया है तो क्या मुझे वो यहाँ पे मिलता है कि नहीं मिलता। नहीं मिल रहा मुझे, उसका कॉन्टेक्स्ट जो है फॉर लूप के अंदर अंदर है। ठीक है, वैसे तो जो ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल बनता है ना उसका कॉन्टेक्स्ट वहाँ होता है, लेकिन ये वाले जो पार्ट है ये भी फॉर लूप की ब्रैकेट के अंदर कंसिडर किया जा रहा है। जी दोस्त, फिर मिलना शुरू हो जाएगा बाहर। यहाँ पे वार करेंगे ना फिर तो मिलेगा ये, क्योंकि वार बनता है ग्लोबल। हाँ, देख लेते हैं वैसे। हाँ, मिल रहा है। देखो, ये लेट जो है ना अभी नया जो है उसमें प्राइवेसी थोड़ी बढ़ा दी है इन्होंने। वार में ना प्राइवेसी का इशू था, जो शुरू में लोगों ने पूछा था कि सर वार में और लेट में फ़र्क क्या है, वो ये फ़र्क ये आ गया आपके सामने। सॉरी,
ये तो मैंने एरो शो करवाया ना स्ट्रिंग में, ताकि ये एरो बन के दिखे मुझे यहाँ। ये देखो ना एरो बन के दिख रहा है, बाकी बाकियों से डिफरेंट दिख रहा है, इसलिए मैंने लगाया। ये इसका कोई रीज़न नहीं, इसको मैं हटा भी दूँ तो भी ठीक है। ये लो ऐसे कर दिया मैंने, लेकिन ऐसे करने से क्या होगा, अब ये जस्ट एक नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, इसलिए मैंने वो लगाया था। वेल तो अब ये हो गया भाई, फॉर लूप की कहानी यहाँ पर हो गई ख़त्म। लेकिन अभी तो शुरू हुई है कहानी फॉर लूप की। मुश्किल नहीं है वो तो, आप भाई पहली दफ़ा तो मुश्किल लगेगा ना, जाहिर है।